आज हम बनाएंगे बेसन की क्रिस्पी सेव। सेव बनाने के लिए 2 कप बेसन लेंगे। वन फोर्थ कप चावल का आटा लेंगे। 1 पिंच इतनी हल्दी पाउडर लेंगे। नमक टेस्ट के अनुसार डालेंगे। 1 पिंच जितनी हींग डालेंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चम्मच से अच्छी तरह से मिलाना है। अब इसमें पानी डालेंगे हम थोड़ा थोड़ा करके और अच्छे से अच्छा डो तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा मिलाते जाएंगे पानी को और डो जितना तैयार कर लेंगे। हाथ से अच्छी तरह से मिला लेंगे और एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। बेसन हाथ में चिपकता बहुत है, अच्छे से मिलाना है। अब उसमें तेल डालेंगे और अच्छे से गूंद लेंगे। आटे को अच्छी तरह से गूंदना है जिससे अच्छा डो तैयार हो जाए। अब हम मशीन लेंगे, इस बारीक वाली जाली को लेंगे और ग्रीस तेल से ग्रीस कर लेंगे। अच्छे से ग्रीस करना है जिससे चिपके ना। मशीन में ऐसे फिट कर लेंगे। और अंदर से मशीन को भी ग्रीस कर लेंगे। अब आटे को रोल की तरह बना के अंदर डालेंगे मशीन में। मशीन को बंद कर लेंगे। अब तेल को गरम कर लेंगे, चेक कर लेंगे अच्छे से गरम हुआ है या नहीं। हमारा तेल अच्छा से गरम हो गया है। अब अंदर सेव को डालेंगे। अब सेव को टर्न कर लेंगे।
और अच्छे से फ्राई करेंगे। ये बबल खत्म हो जाए तब सेव को टर्न करना है। रेडी हो गई हमारी सेव। देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी बनी है।